1.9 मिलियन का वेबसाइट ट्रैफिक, वो भी एक फ्री की ब्लॉगर वेबसाइट के ऊपर जिस पे एडसेंस का अप्रूवल भी है। तो सोचो यार इस पे अर्निंग कितनी हुई होगी और इस ट्रैफिक से इस साइट की रैंकिंग कितनी हुई होगी। कैसे आया 10.9 मिलियन का ट्रैफिक, एक एक चीज आपको दिखाई जाएगी प्रैक्टिकली, और ये भी दिखाया जाएगा कि कंटेंट कौन सा है इस वेबसाइट के ऊपर। मे बी आप भी इस कंटेंट को यूज करके यहाँ पे अर्निंग कर सको काफी ज्यादा, और साथ ही साथ आप भी 10 मिलियन नहीं तो यार 1 या 2 मिलियन का वेबसाइट ट्रैफिक ले सको मंथली। तो चलो यार आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आप लोग 10.9 मिलियन का ट्रैफिक ले सकते हो, और कैसे इस बंदे ने ट्रैफिक लिया, और कौन सी निच है जिसके ऊपर इसने काम किया, कैटेगरी कौन सी है, एक एक चीज और कीवर्ड्स कौन से है। ऐसी बातें कोई भी नहीं आपको बताएगा, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा कौन सी निश के ऊपर काम करो, कितना ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि अगर उसे पता है तो वो खुद उस निश के ऊपर, उस कैटेगरी के ऊपर काम करेगा और ट्रैफिक लेके अर्निंग करेगा और फायदा उठाएगा। लेकिन आपको सिखाना या आपको बताना भी जरूरी नहीं समझेगा। तो मैं आज की इस वीडियो में रिवील करने वाला हूँ कौन सी वेबसाइट है जिस पर 10.9 मिलियन का ट्रैफिक आया है ब्लॉगर की, और सबसे बड़ी बात इस पर टेम्पलेट कौन सा यूज हुआ है, और गूगल एडसेंस का अप्रूवल कैसे मिला, कॉपी पेस्ट वाला काम था या फिर खुद के आर्टिकल थे, एक एक चीज आपको बताऊंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करें, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक ही बात कहूंगा जो अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, चैनल पे पहली दफा आए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आपको तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। सपोज आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दिया, तो यार आपको कोई फायदा नहीं है क्योंकि आप तक नेक्स्ट वीडियोज ही नहीं आएगी। तो इसलिए मेक श्योर कर लो कि आपने अभी के अभी बेल आइकन भी प्रेस कर दिया। तो यार अगर इस ब्लॉग की स्टैट पे आके आपको दिखा दिया जाए, अभी तक यहाँ पे 1 करोड़ का ट्रैफिक आ चुका है। देखो अगर टुडे का ट्रैफिक देखा जाए 36,000 का अभी तक टुडे का ट्रैफिक आ चुका है। उसके बाद यस्टरडे का ट्रैफिक आपको दिखा दूँ 71,311 का आ चुका है, और अगर इस मंथ का दिखाया जाए तो 10 लाख का ट्रैफिक आने वाला है। ठीक है, अभी अगर इस पे 700 व्यूज और आता है तो ये 10 लाख का ट्रैफिक पूरा हो जाएगा इस मंथ का, अभी ये मंथ पूरा नहीं हुआ। उसके बाद पिछले मंथ की बात करें तो इस पे 14 लाख का ट्रैफिक आया था। अगर रिफ्रेश करके आपको दिखा दिया जाए, उससे पहले लाइव प्रूफ ये दिखा दिया जाए, 36,241 व्यूज है। अगर इसे रिफ्रेश करता हूं तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, देखो 36,241 थे तो 36,508 हो गया। ठीक है, रिफ्रेश करते ही इतने व्यूज यहां पे बढ़ चुके हैं। तो इस तरह से देखो लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर यहां पे इसका साइज जरा कम करके दिखा दिया जाए आपको। अब देखो यार यहाँ पे अगर मैं पोस्ट के अंदर आ जाता हूँ तो देखो लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ, इस पे डेटा कौन सा वो भी आपको दिखाने लगा हूँ। ये काम कोई भी नहीं करेगा, कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं दिखाएगा कि वो किस निश के ऊपर काम कर रहा है, किस कैटेगरी के ऊपर काम कर रहा है और ट्रैफिक कैसे ले रहा है। देख लो यार यहाँ पे आपको भाई आपको बता रहा है, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने अभी कभी वीडियो को पॉज करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है और आल के बटन में प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आए। आल के बटन में प्रेस नहीं करोगे तो यार आप तक नेक्स्ट वीडियोस नहीं आएगी, इसलिए आप लोगों ने ये चीज़ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे देख लो ट्रैफिक कितना है और कैसे कैसे आया हुआ है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर आया है। इस पोस्ट के ऊपर देख लो 26 मार्च को ये पोस्ट की गई थी और यहाँ पे 5,69,000 का ट्रैफिक आया, यानी कि 6 लाख का ट्रैफिक होने वाला है। और इस पे 2 लाख का ट्रैफिक है, इस पे 16,000 है, इस पे भी 2,60,000 है। और अगर नीचे करके आपको दिखाया जाए तो देख लो आपके सामने ही ट्रैफिक है, इस पे 3 लाख का ट्रैफिक है। और अगर नीचे करके आपको दिखाया जाए 10-20,000 का ट्रैफिक नहीं मैं आपको दिखाने वाला, यहाँ पे बड़ा ट्रैफिक 70,000 का ट्रैफिक, 32,000 का ट्रैफिक। और इस पोस्ट में देखो यार 8 लाख का ट्रैफिक है, 8 लाख क्या 9 लाख होने वाला है, और इस पे भी 8 लाख होने वाला है। और यहाँ पे नीचे करके अगर आपको दिखाता जाऊँ तो देख लो यार आपके सामने 2 लाख का ट्रैफिक, और यहाँ पे 1 लाख का ट्रैफिक, यहाँ पे 1.5 लाख का ट्रैफिक, यहाँ भी 2 लाख का ट्रैफिक, ठीक है, यहाँ पे 22,000 का ट्रैफिक, और यहाँ पे देख लो 88,000 का ट्रैफिक, इसी तरह से देख लो 3 लाख का ट्रैफिक। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर पोस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है, देखो इस पे भी 8 लाख का ट्रैफिक है, और यहाँ पे आपके सामने बाकी ट्रैफिक भी आपके सामने ही है, बहुत अच्छा ट्रैफिक। और ये ट्रैफिक आया कहाँ से वो भी दिखाऊंगा, सर्च कंसोल पर भी जाके दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख लो अभी तक का 1 करोड़ का ट्रैफिक आ चुका। लास्ट 7 डेज की बात करें 4,39,000 का ट्रैफिक आ चुका है। मोर अबाउट दिस ब्लॉग के ऊपर जाए तो यहाँ पे देखो लास्ट 7 डेज को छोड़
अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल टाइम का अगर आपको दिखाऊँ 10.9 मिलियन का ट्रैफिक आ चुका है, यानी कि 11 मिलियन का ट्रैफिक आ चुका है, 1,09,00,000 का ट्रैफिक आ चुका है इस वाले ब्लॉग के ऊपर। ठीक है, ब्लॉग कहाँ पे बना हुआ है, ब्लॉगर के ऊपर। ट्रैफिक कैसे लेना है ये भी बताऊंगा, वीडियो पूरी देखने स्किप नहीं करने। अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाओ कि ट्रैफिक आ कहाँ से रहा है, तो मेरे भाई देख लो यहाँ पे गूगल से ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, गूगल के थ्रू ही ट्रैफिक आ रहा है। नीचे भी लिंक्स देख लो, गूगल के है, पिंटरेस्ट से भी आ रहा है, तो पिंटरेस्ट भी गूगल से होके आ रहा है। लोग गूगल पे सर्च करते हैं, पिंटरेस्ट पे जाते हैं, उसके थ्रू रिडायरेक्ट होके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यानी कि सारे का सारा ट्रैफिक गूगल का ही आ रहा है, आपके सामने है। यहाँ देखो ये लिंक्स वगैरह भी आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, सारा गूगल से आ रहा है, और ये क्रोम से ट्रैफिक आ रहा है। देखो 10.6 मिलियन का ट्रैफिक क्रोम से है, सफारी ब्राउजर वगैरह जो आईफोन वगैरह के ब्राउजर वगैरह है, ठीक है, वहां से आ रहा है। तो आपके सामने ये टोटल ट्रैफिक, ठीक है, एंड्रॉइड से आ रहा है, विंडोज से आ रहा है, कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है आपके सामने है सारा कुछ। अब जो कीवर्ड यहाँ पे रैंक आ रहा है, सर्च कीवर्ड जो है वो यहाँ पे आपके सामने है, फेसबुक बायो, फेसबुक वीआईपी अकाउंट, एफ बी बायो, टेक्निकल दुबैर, वीआईपी फेसबुक अकाउंट, यहाँ पे आपके सामने यार सारा डाटा आपके सामने है, और 1,00,00,000 का ट्रैफिक आपके सामने यहाँ पे है। ठीक है, लोकेशन की बात करें तो वो भी आपके सामने, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट, सोमालिया, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, नेपाल वगैरह, यहाँ से सारा ट्रैफिक आ रहा है। ट्रैफिक का सारा एनालिटिक्स आपके सामने है, ठीक है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक एक चीज मैंने आपको दिखा दी है। अब इसके ऊपर कंटेंट क्या है वो भी मैं आपको बता दूँ, फेसबुक वीआईपी अकाउंट, ठीक है। अब देख लो यार ये इस तरह की वेबसाइट है, इसका अगर टेम्पलेट आपको दिखाऊँ, व्यू ब्लॉग के ऊपर जाते हैं तो देखो यहाँ पे आके व्यू ब्लॉग पे आने के बाद आपके सामने इसके ऊपर एडसेंस का अप्रूवल भी है। जिस साइट के ऊपर एडसेंस का अप्रूवल है, इसकी अर्निंग कितनी होगी वो भी अगर हो सका तो मैं आपको लास्ट में दिखा दूंगा, अदरवाइज यार नो इशू, फिर कभी सही। जिस वेबसाइट पे 1,00,00,000 का ट्रैफिक आ चुका है उस पर अर्निंग कितनी हो चुकी होगी, ये सारी चीजें आपको दिखाओगे यार, कोई इशू वाली बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं। टेम्पलेट बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्पलेट है, ये देख लो बिल्कुल नॉर्मल टेम्पलेट है। अगर हो सका टेम्पलेट का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, अगर पोस्ट के ऊपर आते हैं हम, यहाँ पे अपनी किसी भी एक थर्ड वाली पोस्ट पे हम आ जाते हैं, चलो यार इस वाली पोस्ट पे हम आ जाते हैं, या फिर ऐसा करते हैं यहाँ पे जिस पोस्ट के ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है उस पर आके आपको दिखाते हैं ताकि आपको भी पता चले। यहाँ पे देख लो इस पोस्ट के ऊपर 5,70,000 का ट्रैफिक है, इस पोस्ट का लिंक ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं ये पोस्ट कैसी है। तो इस पोस्ट का ओवरव्यू भी आपको दे देते हैं, देखो यहां पे आके अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं, सबसे पहले देख लो यार, इस पोस्ट का टाइटल है फेसबुक वीआईपी अकाउंट स्टाइलिश बायो, ठीक है, आपके सामने फेसबुक स्टाइलिश बायो 2022, इस कीवर्ड के ऊपर ये पोस्ट रैंक आ रही है। अगर आके यहां पे दिखा दिया जाए, देखो अगर गूगल के ऊपर ये रैंक आ रही है नहीं, वो भी सर्च कर लेते हैं, यहां पे इस वाले कीवर्ड को लेते हैं हम और जाते हैं गूगल के ऊपर, गूगल पे आके इस कीवर्ड को सर्च करते हैं और एंटर करते हैं, और ये देखो यार गूगल पे इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद सेकंड नंबर पे जो पोस्ट आ रही है ये सेकंड नंबर पे जो पोस्ट आ रही है ये हमारी पोस्ट आ रही है, आपके सामने ये पोस्ट है देख लो, ये वीआईपी फेसबुक अकाउंट वीआईपी स्टाइलिश बायो, ठीक है, अगर इसे ओपन करते तो हमारी ही पोस्ट ओपन हो रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या दूसरे कीवर्ड के ऊपर भी ये रैंक आ रही है, जो हमने दूसरा कीवर्ड इसमें यूज किया फेसबुक स्टाइलिश बायो 2022, इसे भी सर्च करते हैं और यहाँ पे गूगल पे आ जाते हैं, गूगल पे आने के बाद इसे सर्च करते हैं इस कीवर्ड को। अब देख लो यार इस दूसरे वाले कीवर्ड के ऊपर हमारी जो पोस्ट रैंक आ रही है ये टॉप पे रैंक आ रही है, देख लो एक ये भी पोस्ट है, एक ये भी पोस्ट है, यानी कि हमारी वेबसाइट ही रैंक आ रही है इस कीवर्ड के ऊपर भी। इसका मतलब ये हुआ कि आप भी रैंक करवा सकते हो इजीली, इस पर इतना ज़्यादा कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इस ऐड को करते हैं क्लोज और आपको अच्छे से दिखाते हैं कि यहाँ पे कितनी ट्रैफिक आ रही है। ऊपर वाला भी ऐड अभी क्लोज करते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। टॉप पे हमने आपको दिखा दिया कि हमारा यहाँ पे टाइटल आ चुका है, ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं एक ऐड है, ऐड के नीचे हमारा यहाँ पे कंटेंट दिया गया है, थोड़ा सा सिर्फ इतना सा कंटेंट है, देख लो तकरीबन ये 100-200 वर्ड का कंटेंट होगा सिर्फ इतना, जिसमें आपने एसईओ करनी है, अपने कीवर्ड को रैंक करवाना है और जिस कीवर्ड को रैंक करवाना है वो आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, और अपनी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है, और इस डिस्क्रिप्शन के बाद हमने अपनी दूसरी पोस्ट को यहाँ पे एम्बेड कर रखा है, दूसरी पोस्ट को लिंक कर रखा है ताकि ट्रैफिक इन पोस्ट के ऊपर भी चला जाए, ठीक है, अगर कोई आके इनको क्लिक करता है तो देखो ट्रैफिक इन वाली पोस्ट के ऊपर भी आ जाए, देख लो आपके सामने ये भी आ चुकी है, ये किसी और वेबसाइट का लिंक दिया है ताकि इस वेबसाइट के ऊपर भी ट्रैफिक जाए, देखो इस पर भी गूगल एडसेंस का अप्रूवल है, और ये देखो technicalquery.com है, ठीक है, इस नेम से साइट है, और आपके सामने इस साइट पे भी उसी तरह का कंटेंट है और इस कंटेंट के ऊपर भी एडसेंस का अप्रूवल है। अभी के लिए इसको बंद करते हैं और आपको दिखाते हैं इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आ गया, जिसके अंदर बहुत सारे लिंक ऐड किए हुए ताकि इन लिंक्स के ऊपर भी ट्रैफिक जाए और इन्हें भी
जो है रैंकिंग मिले गूगल की सर्च में। और यहाँ पे नीचे स्क्रॉलन करते हैं और आपको दिखाते हैं अगेन एक टाइटल आ गया फेसबुक स्टाइलिश बायो, उसके बाद एक इमेज लगा दी है ताकि इस इमेज के थ्रू भी ट्रैफिक आ सके। उसके बाद नीचे देखो यहाँ पे यार टोटल ये स्टाइलिश जो लिंक है ना वही है, फिर से अपनी दो पोस्ट के लिंक दिए हुए, फिर से वही चीज़ें और ऐड आ रहा है, फिर से वही चीज़ें है यार। ये सारा कॉपी पेस्ट आप कर सकते हो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो खुद लिखनी पड़े, टोटल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जो शुरू में मैंने आपको 5-7 लाइनें दिखाई है सिर्फ वो आपने खुद से लिखनी है अपनी कीवर्ड लगा के, बाकी सारा कंटेंट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। देख लो आपके सामने सारा कंटेंट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, देख लो इस तरह से ये कंटेंट है। जितना भी स्क्रॉल डाउन करो काफी लंबा आर्टिकल है इसीलिए रैंक कर रहा है, जितना लंबा आपका आर्टिकल होगा उतना ही वो रैंक करेगा। अब इस आर्टिकल के लास्ट में क्या आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो लास्ट में अगर हम आते हैं आर्टिकल के, तो आर्टिकल के लास्ट में भी हमने रिलेटेड पोस्ट के लिंक डाल रखे हैं ताकि उन पर भी ट्रैफिक जाए। उसके बाद हमने ये बताया है कि क्या आपको कैसी लगी है, अगर कोई प्रॉब्लम है कोई इश्यू है कमेंट करो ताकि हमें और भी ज़्यादा ट्रैफिक मिले। कमेंट्स का आपने लाजमी कहा करना अपनी पोस्ट के अंदर ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक मिले। फिर से वही पोस्ट के लिंक वगैरह आ गए और नीचे बोल दिया शेयर दिस पोस्ट, बस इतना सा काम है यार। आप लोग भी कर सकते हो, देख लो साइड पर भी एडसेंस के एड्स आना हो रहे हैं, इन पर भी ट्रैफिक आ रहा है। तो यहाँ पर देख लो यार अर्निंग भी अच्छी खासी हो रही है, हो सकता लास्ट में मैं वो भी आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले गूगल सर्च कंसोल पे ट्रैफिक भी एनालाइज करवाऊंगा। तो यार इसके अलावा अगर बात करें डॉट ब्लॉगस्पॉट वाली डोमेन की, ये डोमेन जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये डॉट कॉम वाली डोमेन है, इस डोमेन के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा ट्रैफिक दिखाया, ये डॉट ब्लॉगस्पॉट वाली नहीं है डॉट कॉम वाली है। अगर यहाँ पे आके आपको डॉट ब्लॉगस्पॉट वाली डोमेन दिखाए तो वो भी रैंक करती है गूगल में, उस पर भी ट्रैफिक आता है, अच्छा ट्रैफिक आता है, लेकिन जितना इस पर एक दिन का ट्रैफिक आ रहा था उतना इसमें एक मंथ का ट्रैफिक आता है, यानी कि इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं आता डॉट ब्लॉगस्पॉट वाली डोमेन के ऊपर। यहाँ पे डॉट ब्लॉगस्पॉट वाली डोमेन खोल के दिखा दो, इस पर भी सेम कैटेगरी है, सेम वर्क है, देखो सेम वर्क है, लेकिन इस पे उतना ट्रैफिक नहीं है, उतना अच्छा ट्रैफिक नहीं है जितना डॉट कॉम वाले डोमेन पे है। इससे एक चीज का पता चला कि आपको डॉट कॉम वाला डोमेन बाय करना पड़ेगा ज्यादा अर्निंग करने के लिए, ज्यादा ट्रैफिक लेने के लिए। अगर डॉट ब्लॉगस्पॉट वाला डोमेन है उस पर इतना ज्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको। ये देखो इस पे भी गूगल एडसेंस के एड्स है, एड्स बाय गूगल, यहाँ पे आके देख लो डोमेन कौन सी है डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम। अगर इसमें से कोई एक पोस्ट ओपन करके आपको दिखाओ इस पे भी देख लो एड्स बाय गूगल आ रहा है, ठीक है ये देखो एड्स बाय गूगल, और यहाँ पे डोमेन देख लो ऊपर आपके सामने है डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम, ठीक है। अभी एड क्लोज करते हैं और एक सिंगल पोस्ट के व्यू पे आते हैं, देखो एड्स बाय गूगल, एड्स बाय गूगल, और नीचे आ जाओ पोस्ट के अंदर भी एड्स बाय, यानी इस तरह की पोस्ट के ऊपर भी आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, इजिली मिलता है। डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम के ऊपर भी एडसेंस का अप्रूवल मिलता है, ऐसा नहीं है देखिए नहीं मिलता, आपको मिलता है अप्रूवल, लेकिन उस पर ट्रैफिक भी कम होगा अर्निंग भी कम होगी, इसलिए डॉट कॉम वाला डोमेन बाय करोगे वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो यार ये जो वेबसाइट है ये है हमारे एक सब्सक्राइबर की जिनका नेम है टेक्निकल जुबैर, ठीक है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, हो सका तो उस चैनल का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, और इनकी साइट पर अगर आप विजिट करना चाहो तो टेक्निकल जुबैर डॉट कॉम गूगल में लिख के आप जाके सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे इनके गूगल सर्च कंसोल की ट्रैफिक का ओवरव्यू आपको दिखाया जाए तो देखो गूगल सर्च कंसोल के अंदर इनकी ट्रैफिक यहाँ पे आई हुई है जो 10 मिलियन प्लस है, ठीक है 11 मिलियन होने वाली है। तो यहाँ पे अगर उसके बाद यहाँ पे और इंटरफेस आपको दिखाया जाए, इस पे टोटल क्लिक्स जो है ये पिछले 16 मंथ का आ रहा है, यहाँ पे 2.79 मिलियन यहाँ पे क्लिक्स आया पिछले 16 मंथ में जो कि बाय गूगल सर्च आया है, ठीक है। 24 मिलियन का इंप्रेशन मिला है गूगल की सर्च के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये चीज दिखा दी। अब उसके बाद बात कर लेते हैं अर्निंग की कि ये कितना अर्निंग कर रहे हैं पर डे, कितना कमा रहे हैं अपनी इस वेबसाइट के थ्रू। तो देख लो यहाँ पे इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा जिसमें यहाँ पे आपको शो हो रहा है टुडे सो फार की अर्निंग $32 है, इसे भूल जाओ क्योंकि ये अभी पूरे दिन की अर्निंग नहीं है। उसके बाद अगर यस्टरडे की बात करो, कल की अर्निंग की एक दिन पहले की, तो $57 इन्हें अर्न हुए थे पिछले दिन में, ठीक है। उनके बाद 7 डेज की अर्निंग $141, दिस मंथ की अर्निंग $297, ठीक है। और यहाँ पे देख लो लास्ट मंथ इन्होंने $360 अर्न किए थे, तो यहाँ पे देख लो इस हिसाब से इनकी अर्निंग हो रही है। तो बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं जुबैर भाई का क्योंकि इन्होंने अपनी साइट का रिव्यू करवाया। अगर आप लोग भी अपनी किसी वेबसाइट का रिव्यू करवाना चाह रहे हो तो यार आप लोग करवा सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, मैं आपकी साइट का भी रिव्यू करूंगा। आई होप यार आपने देख लिया कौन सी निश यूज हुई थी इस वेबसाइट के ऊपर और इतना ट्रैफिक कैसे आया, कीवर्ड्स कौन से यूज हुए थे, एक एक चीज मैंने आपको दिखा दी, गूगल सर्च कंसोल का एनालिटिक्स भी आपको दिखा दिया, इसके अलावा गूगल एडसेंस की अर्निंग भी दिखा दी। अब एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, इस पे बहुत ज्यादा अर्निंग हो सकती थी, बहुत ज्यादा
ज़्यादा अर्निंग हो सकती थी। लेकिन ये जो पर्सन इस वेबसाइट को यूज़ कर रहा है उससे नॉलेज है, लेकिन उसे ये नॉलेज नहीं है कि किस तरह यहाँ पे कीवर्ड्स को यूज़ करके अर्निंग करनी है। गूगल एडसेंस की अर्निंग को बढ़ाने के भी बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस बंदे को इतना नहीं पता, इसलिए इसकी अर्निंग इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो सकी। लेकिन इसे वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आने का तरीका पता चल चुका है। ये एक मेरा सब्सक्राइबर है, आज से 2 साल पहले इसने मेरी वीडियोस को देखना स्टार्ट किया और उनके थ्रू अपना एक ब्लॉग बनाया। इस ब्लॉग के अंदर मैंने आपको 2 से 3 ब्लॉग दिखाए, यानी कि ब्लॉगर की वेबसाइट्स दिखाई, जिनके ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक भी आता है और अर्निंग भी होती है, एडसेंस का अप्रूवल भी है। इस बंदे की 8 से 9 वेबसाइट्स है जिन पे एडसेंस का अप्रूवल है और जिनके थ्रू ये अर्निंग कर रहा है। तो ये एक मेरा सब्सक्राइबर है काफ़ी ओल्ड। तो यार अगर आप लोग भी मेरे सब्सक्राइबर हो तो मेरी वीडियोस को देख के फॉलो करते हो तो यार आप लोग भी इस तरह से अर्निंग कर सकते हो। बस आपको टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम दो, अपना खुद का कंटेंट डालो तो आप लोग यहाँ पे काफ़ी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो तो कॉपी पेस्ट उस कंटेंट को करो जो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे, उस नीच पर काम करो जिस पर ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, ज़्यादा लोग उस पर काम नहीं कर रहे, तो आप लोग भी इस तरह से अर्निंग कर सकते हो। अब आपको एक चीज़ पता चली कि आप लोग भी इस नीच के ऊपर, इस कैटेगरी के ऊपर काम कर सकते हो जैसा ये भाई कर रहा है। अगर आप भी सेम कंटेंट पे काम करना चाह रहे हो तो यार आप भी कॉपी पेस्ट करके, ये जो यहाँ पे टेस्ट वगैरह यूज़ किया इसने स्टारिश बायो वगैरह, ठीक है, आप लोग भी इसे कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो। गूगल से ये आपको मिल जाती है, वहाँ से ही कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो मेन कंटेंट है, टॉप पे जो कुछ लाइंस होती है या फिर लास्ट पे जो कुछ लाइंस आपने लिखनी होती है, आपने अपने से लिखनी है, खुद से लिखनी है, ताकि आपका आर्टिकल थोड़ा बहुत यूनिक हो जाए। तो यार आप लोगों को भी इस तरह के कंटेंट के ऊपर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। इस भाई की 8 से 9 वेबसाइट्स है जिनमें से 4-5 सेम इसी कैटेगरी के ऊपर है और रैंक आ रही है गूगल की सर्च में टॉप के ऊपर। आप लोग भी इस कैटेगरी पे काम करके काफ़ी अर्निंग कर सकते हो। तो चलो यार यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन भी प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक आए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक मोटिवेट करता है मुझे इस तरह की नई वीडियोस लेके आने के लिए। तो चलो यार नेक्स्ट मिलते हैं इस तरह की वीडियो में।